तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूँ एजाज अहमद, आप देख रहे हैं शॉपिंग हेल्प। तो आज का जो वीडियो है वो स्मार्ट वॉच के ऊपर होने वाला है। तो मैंने फ्लिपकार्ट से इस स्मार्ट वॉच को परचेस किया, जैसे कि मैंने अभी तक इसे अनबॉक्स भी नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मेरा अनबॉक्स है। यहाँ पर फ्लिपकार्ट दिया ही हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे मैं नए नए वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूं। तो कर लेते हैं सबसे पहले इसे अनबॉक्स। तो यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर वीआईपी छुरा है, यहाँ पर मैं इसे पूरा अनबॉक्स कर लेता हूँ इससे। तो यहाँ पर गाइस, जैसे आप देख सकते हैं मेरा अनबॉक्स हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा बॉक्स निकल के आ गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा बॉक्स दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ कार्ड मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी वाले इसे सेफ्टी के साथ में देते हैं। तो इसे रख लेते हैं बगल में। और यहाँ पर जैसे कि आप मेरा स्मार्ट वॉच देख सकते हैं, फायर बोल्ट निंजा 3 प्रो मैक्स, ये जो है फायर बोल्ट की तरफ से है, फायर बोल्ट निंजा 3 प्रो मैक्स। तो यहाँ पर कुछ हाईलाइट फीचर्स दिए गए हैं, जैसे मैं अभी इसे अनबॉक्स के साथ में आपको दिखाऊंगा। और पीछे की तरफ भी हाईलाइट फीचर्स हैं, यहाँ बगल में भी हाईलाइट फीचर्स हैं, जैसे फायर बोल्ट। और उसके साथ में यहाँ पर इसका थीम दिया गया है, और साथ में कोई प्रचार करने वाले हैं। और बात करें इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पर डिस्प्ले 1.83 इंच का फुल HD डिस्प्ले, टच डिस्प्ले दिया गया है। और उसके साथ में ये तो स्मार्ट वॉच है, बल्ट इन 27 स्पॉट मोड दिया गया है, 27 स्पॉट मोड इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं इस डिब्बे को, उसके बाद में आप कैसे इसे ऑपरेट करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि कर लेते हैं इसे अनबॉक्स। तो जैसे कि गाइस यहाँ देख सकते हैं, इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पर पूरा जो इसका पन्नी दिया गया है, पूरा इसे उजाड़ देते हैं। तो यहाँ पर मेरा पूरा स्टिकर ऊपर से निकल चुका है, इसे कर लेते हैं ओपन। उसके बाद में जैसे यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइट दिया गया है। अगर बात करें इसके हाईलाइट फीचर्स की, तो ये मैं सबसे पहले इसे हाईलाइट फीचर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर 27 स्पॉट मोड मिल जाएगा, और साथ में आपको 46.5 mm का डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि आता है 1.83 इंच का फुल HD टच डिस्प्ले, और 214 का पिक्सल रिजोल्यूशन मिल जाएगा, IP68 का वाटर रेजिस्टेंट मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पर जैसे फायर बोल्ट अपना पूरा लोगो दिया रहता है, फायर बोल्ट यहाँ पर भी फायर बोल्ट, हर तरफ फायर बोल्ट दिया रहता है। और उसके स्मार्ट वॉच को मैं दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ पर मेरा निकल रहा है अभी बॉक्स, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बॉक्स निकल चुका है, और स्मार्ट वॉच काफ़ी अच्छे तरीके से अनबॉक्स है। तो यहाँ पर इसे अभी यहाँ पर निकाल कर रख देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद में इसके अंदर देखता हूँ कि क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा एक केबल, जो कि है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्जर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और साथ में आपको एक यूज़र गाइड मिल जाएगा, जिसे आप पढ़कर इसे ऑपरेट कर सकते हैं, पर ये किसी काम का नहीं रहता है, इसे भी बगल में रख सकते हैं। यहाँ पर गाना कार्ड मिला है, साथ में आपको एक सरप्राइज कार्ड मिला है, साथ में स्कैनर के साथ में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें वारंटी वारंटी कार्ड है, क्या लगता है, यहाँ पर वारंटी कार्ड मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल्ट प्ले ऐप्स का ऐप मिल जाएगा, जिसे आपको कनेक्ट करना है। साथ में और कुछ भी नहीं दिया है, देख सकते हैं कितना कार्ड दिया है कंपनी वालों ने। और साथ में हमारा जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, वो है स्मार्ट वॉच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्मार्ट वॉच दिया गया है, तो इसे भी ओपन कर लेते हैं पूरा। तो गाइस यहाँ पर देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो इसका स्ट्रेप्स है, काफ़ी मुलायम स्ट्रेप्स दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं किसी भी तरीके से इसे मोड़ सकते हैं। और इसे ओपन करके मैं अभी दिखा देता हूँ, जैसे कि इसे लॉन्ग प्रेस करने पर ये अब स्मार्ट वॉच ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ओपन होने पर फायर बोल्ट दिखा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं भी ओपन किया हूँ। और यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि ऐप्स देख ही सकते हैं, पूरा ऑल ऐप्स यहाँ पर मिल जाएगा।
और साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर अगर आप अलग अलग ऐप्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरा ऐप्स मिल जाएगा आपको लाइन से, अगर पूरा एक साथ में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और उसके साथ में यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर शॉर्टकट मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर स्टेप्स देख सकते हैं, स्टेप्स में बहुत सारे मतलब सेटिंग आपको मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके साथ में और बगल करने पर आपको स्लिप मिल जाएगा, साथ में आपको हार्ट रेटिंग मिल जाएगा चेक करने के लिए। और उसके बाद में यहाँ पर बहुत से ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे आपको। स्पोर्ट मोड 7 स्पोर्ट मोड दिया गया है, और साथ में आप देख सकते हैं और भी देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसे मैं ओपन चला के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जैसे सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर कैमरा दिया गया है, जैसे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल को। तो यहाँ पर सेटिंग मिल जाएगा, सेटिंग में आपको बहुत से फीचर्स मिल जाएंगे, स्मार्ट वॉच, अलार्म, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर फीचर्स ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, देख ही सकते हैं, मैं पूरा फुल कर देता हूँ। और साथ में आपको मिल जाएगा यहाँ पर रिस्टार्ट भी मिल जाएगा, पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, अबाउट मिल जाएगा, और भी बहुत से फीचर्स में दिए गए हैं। अलार्म भी सेट कर सकते हैं इस, और उसके बाद में बैक करते हैं देखते हैं और क्या। यहाँ पर प्ले म्यूजिक दिया गया है, के शूटर कैमरा दिया गया है, वाटर स्पॉट टूम, मोसर HR फिसलिप, और जैसे कि यहाँ पर मैसेज का जो ऑप्शन है, मैसेज भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस टाइप से करने पर यहाँ पर वो सभी ऐप्स आपको सेटिंग में मिल जाएंगे, और ऊपर से खींचने पर आपको पूरा, जैसे आपको स्मार्टफोन में जैसे होता है ऊपर से आप खींचते हैं तो वो आ जाता है अपना जो सेटिंग वाला ऑप्शन रहता है। यहाँ पर हॉटस्पॉट आपको यहाँ पर ऑपरेट, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, साइलेंट भी कर सकते हैं इसे, और इसका जो लाइट, आप लाइट भी इसमें जला सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर दिया है स्मार्ट वॉच में। और उसके साथ में बात करें इसकी बॉडी की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फुल मेटेलिक को बॉडी मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1.83 का फुल टच डिस्प्ले, और उसके साथ में स्टेप्स काफ़ी अच्छा है। हार्ट रेटिंग तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेंसर जो आपको हार्ट रेटिंग को और भी बहुत से स्पॉट को चेक करता है। अगर चार्ज की बात करें तो यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ देख सकते हैं किस तरह जल रहा है, जैसे यहाँ पर रखने से आपको जैसे जलने लगेगा। उसके बाद में अगर चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे सिर्फ यहाँ पर रखना रहता है, पूरा आपको अपने आप ही ये चिपक लेगा उसमें, जिससे चार्ज होने लगेगा। तो आप यहाँ इसे अगर किसी भी लैपटॉप में, अपने लैपटॉप में लगा कर दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि गाइस ये अभी चार्ज होने लगा है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे लगा दिया है, लगा देता हूँ। आप किसी भी एडेप्टर या कहीं पर भी इसे लगाकर चार्ज आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको 1499 रुपये में मिल जाएगा, और साथ में आप देख ही सकते हैं कितना सारा आपको सामान इसके अंदर मिल रहा है। सबसे ज़्यादा तो कार्ड मिला है भाई उसके अंदर, यूज़र गाइड तो देख ही सकते हैं। अगर जैसे कि अगर बात करें इसके हैंडसेट की, जैसे कि मैं अभी लगा के दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह आपको लगेगा हाथ में आपके। अगर स्ट्रेप्स की बात करें तो स्ट्रेप्स काफ़ी ज़्यादा मुलायम स्ट्रेप्स दिया गया है, जिससे आपको हाथ में पहनने में काफ़ी आराम रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे यहाँ देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से ये ऑपरेट भी हो रहा है। तो गाइज हाथ में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि गाइज अगर आप इस स्मार्ट वॉच को अगर परचेस करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर इसे परचेस कर सकते हैं। और अगर बात करें इसके फीचर्स की, तो आपको मैं पूरा का पूरा फीचर्स बता दिया हूं। अगर अगर इसी तरह के और भी वीडियो को आपकी ज़रूरत है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर किसी भी वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। ऐसे ही स्मार्ट वॉच को मैंने वीडियो रिव्यू किया हूँ, और आप भी देख ही सकते हैं, अनबॉक्स करके पूरा फीचर बता ही दिया हूँ। और बॉक्स तो बॉक्स देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बॉक्स में आता है, सेफ्टी भी काफ़ी रहता है, कोई भी डैमेज वैमेज नहीं मिलता है। फ्लिपकार्ट से मैंने इसे ऑर्डर किया है, और यहाँ पर हाथ में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी कम बजट में एक अच्छा स्मार्टफोन मिल रहा है, तो आप भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। और भी बहुत से स्मार्टफोन हैं, स्मार्ट वॉच हैं, वहाँ से भी आप कोई भी स्मार्ट वॉच परचेस कर सकते हैं।
तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स। अगर वीडियो पर अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।